मुझे बताइएगा कि जब सिक्योरिटी के मामलात सही नहीं हैं तो फिर वही लोग जो कंसर्न्ड हैं, अगर वो आकर गारंटी नहीं देंगे तो सर फिर कौन देगा? नहीं, मैं देखे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कौन देगा नहीं नहीं देगा। बात ये है कि जब हम मैं आपकी जगह बैठ जाऊँ, आप मेरी जगह बैठ जाएं, तो ना आप मेरा काम कर सकेंगे ना मैं आपका काम कर सकूँगा। तो ये देखें ना, फेस अभी तो ये जिन ममालिक के अभी इन्होंने भट्टी साहब ने भी जिक्र किया जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से आ रही हैं, ये ठीक है, लेकिन दूसरा एक और इंडिकेटर भी है। जब मुआशी तौर के ऊपर आपकी बुनियादें दुरुस्त हों तो फिर अमेरिका से भी आनी चाहिए, फिर दूसरे ममालिक से भी आनी चाहिए और तीसरे ममालिक से भी आनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो फिर इस तरह से है ना, मखसूस ये तो सऊदी अरब आपका हमेशा टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है, यूएई आपके साथ खड़ा रहा है, चाइना आपके साथ खड़ा रहा है, ये बिल्कुल आपके टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं। लेकिन फिर आप जब कर्जों की तरफ बात जाएगी तो फिर बात और भी बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी। इकोनॉमी को जब तक उसकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर आप खड़ा नहीं करेंगे, और उसके लिए जाहिर है आपकी सिक्योरिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये दो अहम चीज़ें हैं, और अपने अपने स्फीयर के अंदर रह के मुल्क को आगे बढ़ाने वाली बात।